हेलो हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड ऑल आर वेरी वेल। राइट, सो आज का सुबह बहुत ही अच्छा है और आज डेट है 16 जुलाई 2022 और आज है सैटरडे। मैं बाकी स्टेटों का तो मुझे बहुत सारे न्यूज़ आ रहा है सुनने में के लिए। मुंबई में बहुत बारिश हो रहा है, वेस्ट बंगाल में भी बारिश एकदम बिल्कुल भी नहीं है, असम में तो फ्लड हो चुका है। मध्य प्रदेश का सिचुएशन मैं बता देता हूँ, यहाँ पे भारी बारिश हो रहा है। 2-3 दिन से लास्ट 1 वीक में कंटिन्यूअसली भारी बारिश हुआ है। तो आज इंदौर का मौसम काफ़ी अच्छा है, बट एक्चुअली क्या था, लास्ट 1 वीक से इंदौर का मौसम बहुत ही खराब था। राइट, तो मैं कहीं बाहर निकल नहीं पा रहा था। बहुत दिन से सोच रहा था एक मानसून राइड करने के लिए, बट हो नहीं पा रहा था। तो आज मौका मिला है मुझे। तो आज जो डेस्टिनेशन है हमारा वो है मांडव। मांडव के लिए बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे आज। अभी टाइम हुआ है 7 o'clock, मतलब 7:05, बस और 15-20 मिनट में ही हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। मध्य प्रदेश का मिडिल में एक सिटी है मांडव, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, मुगल टाइम में बनाया हुआ था। जो मुगल आर्किटेक्चरल हेरिटेजेस के नाम से वो बहुत ही फेमस है। इंदौर से लगभग 85 किलोमीटर टू 90 किलोमीटर डिस्टेंस होगा मांडव का। हुसैन सागर दरगाह, रानी रूपमती महल, जहाज महल, हिंदोला महल, बहुत कुछ है। तो मैं ईच एंड एवरी प्लेस में विजिट करूंगा और सब प्लेस का डिटेल्स मैं आपको सब प्लेस के साथ साथ मैं बताते जाऊंगा। तो आई होप आप लोगों को आज का कंटेंट बहुत ही अच्छा लगेगा। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है आज। मैं पहले भी कहा था, मेरे 2-3 वीडियोस में आप लोग शायद देखे होंगे कि इंडियन हिस्ट्री नेवर एवर डिसअपॉइंटेड मी एक्चुअली। राइट, क्योंकि मैं जितने भी इंडियन हिस्टोरिकल प्लेसेस में घूमने के लिए गया वो कभी मुझे डिसअपॉइंटेड नहीं किया। शायद ये भी नहीं होगा। आई होप मांडव बहुत अच्छा हम कंटेंट बना पाएंगे और आप लोग बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को ये मांडव का सिटी। मैं पहले भी बता चुका हूँ मेरा 2-3 वीडियोस में, अगर मेरा वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा। और आज भी मैं बता देता हूँ, अगर मानसून में आप राइडिंग के लिए, बाइक राइडिंग के लिए निकल रहे हो तो सेफ्टी प्रिकॉशन कंपलसरी। यू हैव टू यूज सेफ्टी प्रिकॉशन। राइट, बाइक राइडिंग के लिए निकल रहे हो तो बाइक का जैकेट, राइडिंग गियर, राइडिंग नी गर्ड्स, ग्लव्स एंड ईच एंड एवरीथिंग यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल। एंड बाइक राइडिंग के लिए बारिश में अगर निकल रहे हो तो बराबर सेफ्टी प्रिकॉशन लेके निकलिए, अदरवाइज मत निकलिए। तो आज भी हम वही करने वाले हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है। पता नहीं इंदौर में लास्ट 3-4 डेज में वही 1 वीक में बहुत ही बारिश हो रहा था। ऑल ओवर इंडिया में अभी बारिश का मौसम है, पता नहीं रास्ते में बारिश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर बारिश के लिए निकल रहे हो, मेरा एक सजेशन है, सेफ्टी प्रिकॉशंस बराबर लेके निकलिए, हेलमेट जरूर पहनिए और राइडिंग गियर जरूर यूज कीजिए। यहाँ पे मांडव में पहुँचते ही पहले जो एक व्यूज़ हमको मिला है, ये एक छोटा सा पैलेस है, इसका नाम है नीलाकंता पैलेस। ये वहाँ पे आपने शायद देखा होगा जो बोर्ड मैंने अभी अभी दिखाया, तो उसमें फलक में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मुगल सम्राट अकबर ने 16th सेंचुरी में ये पैलेस बनाया था। ओके, तो चलते हैं हम ये पैलेस के अंदर, देखते हैं इसके अंदर पे क्या है।
जैसे हम इंदौर से निकले थे तो इंदौर का मौसम काफ़ी अच्छा है ना, इंदौर का मौसम काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा था यार, इधर का मौसम काफ़ी गर्मी हो रहा है मुझे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। राइडिंग गियर पूरा पहन के आया हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सही में इंदौर का मौसम बहुत ही अच्छा है। इवन तो हम जब सुबह निकल रहे थे तब भी सोच रहा था ज़्यादा भारी बारिश ना हो, बट यहाँ पे आके देखा तो बहुत ज़्यादा धूप है, तो इतना धूप के कारण जैसे एग्जैक्टली व्यू हम सोच रहे थे वैसा व्यू शायद आज मिलेगा नहीं, बट इट्स ओके। जितना भी होता है, यहाँ पे एक मंदिर पे आए हैं हम, नीलकंठ पैलेस के अंदर आते ही यहाँ पे एक मंदिर है। ये मंदिर कौन सा है? शंकर भगवान का मंदिर है। अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे, ठीक है, देखते हैं मंदिर के अंदर शंकर भगवान के दर्शन तो कर लेते हैं पहले, उसके बाद स्टार्ट करेंगे मांडव वाला वीडियो। यहाँ से सीढ़ी से उतरना भी थोड़ा डिफिकल्ट है, बट भगवान शंभू का दर्शन तो करना ही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। मांडव, दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम फॉर मी, मैं पहले भी मांडव आ चुका हूँ, मुझे बिल्कुल याद है। और उस टाइम पे मैं YouTube ब्लॉग नया बना रहा था, मैं जब ब्लॉग बनाना स्टार्टिंग किया था बहुत साल पहले, उस टाइम पे मैं एक बार मांडव में आया था। उस टाइम पे रोड जो है उतना शानदार नहीं था, और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है ना, मौसम बहुत अच्छा है ना। हाँ, क्या नाम है तुम लोगों का? हाँ, यहाँ पे है दो छोटा छोटा दोस्त है मेरा, क्या नाम बताए, नाम बताओ। राज। राज, तुम्हारा नाम क्या है? धर्मेंद्र। हाँ, धर्मेंद्र। क्या? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, यूट्यूब देखते हो तुम लोग? यूट्यूब देखते हो? हाँ, हो। चाय बनाना। तो अंदर से मंदिर के अंदर से कितना सीढ़िया चढ़ के ऊपर आए पता नहीं, बाइक हमने यहाँ पे स्टैंड किए थे, तो मैं सॉरी गाइस एक्चुअली भूल गया था, मेरा जो दोस्त है जो मेरे साथ आज आया है ट्रिप में, मांडव ट्रिप में, उसको इंट्रोडक्शन करवाना ही मैंने भूल गया था, तो चलो इंट्रोडक्शन करवा देते। ये है मेरा दोस्त ऋषभ। हेलो, हाय ऋषभ। अभी हम भजिया खा, बहुत थक गए यार एक्चुअली, सुबह उतना ज़्यादा कुछ ब्रेकफास्ट हो नहीं पाया था, तो सुबह सुबह जल्दी निकले थे ना, वहाँ से 7:30 बजे निकल गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा वो भज्जी जैसा खा रहा है, हम भज्जी है, गरम गरम भज्जी खा रहा है, बस बारिश हो जाए यार मज़ा आ जाएगा। सही में यार बारिश होना चाहिए, क्योंकि इतना धूप सोचा नहीं था कि यहाँ पे आके इतना धूप मिलेगा पहाड़ के ऊपर। अभी मौसम देख के लग रहा है कि बारिश बस होने ही वाला है। व्यू इतना अच्छा है इधर का कि बारिश हो, बादल आ जाए ना। हाँ, तो फीलिंग मौसम, फीलिंग वादियों में। हाँ, जैसे बाकी अभी बारिश हो। अच्छा, 6 मिनट बाकी है, मेरा और एक दोस्त है वेदर एक्सपर्ट वैभव। राइट वैभव, तो भाई बाबा ने बोला है अभी 8 मिनट बोला था, 2 मिनट हो गया, 6 मिनट में बारिश होने ही वाला है, बट देखते हैं 6 मिनट कब तक होता है। कैसे भजी, कैसा लग रहा है? अच्छा, बढ़िया। हाँ, बढ़िया बढ़िया। गर्म है ना? बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। चलो, बहुत अच्छा है, टेस्टी। ओके, तो फाइनली हम जहाज महल के अंदर पे पहुंच गए हैं। और ये जहाज महल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये 15th सेंचुरी में मोहम्मद गियासुद्दीन, उस टाइम के जो मुग़ल सम्राट थे, उन्होंने बनाए थे ये जो जहाज महल है। ये जहाज महल एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, जहाज महल नाम इसलिए है क्योंकि ये जो महल का कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन जहाज की तरह बना हुआ है, इसलिए इस महल का नाम है जहाज महल। ओके, तो और एक चीज़ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, ये जहाज महल में एंट्री करने से पहले आपको कैमरा, ट्राईपॉड्स कुछ भी अलाउ नहीं करते। ओके, मेरा ट्राईपॉड्स भी अलाउ नहीं किए,
बट कैमरा अलाउ करते हैं उसका कुछ अलग से चार्ज लेते हैं, ठीक है। अगर आप GoPro लेके आ रहे हैं या फिर हैंडीकैम या तो फिर DSLR लेके अंदर पे आ रहा है तो उसके लिए आपको अलग से ₹50 चार्ज देना पड़ेगा, ओके। और बाकी ट्राइपॉड्स कुछ अलाउ नहीं करेगा, मैं पहले से बता देता हूँ। और ये जहाज महल का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ा बहुत बारिश गिरना स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तो अभी का मौसम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, जो कि है मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये जो स्ट्रैटेजी है ना, क्या है इधर, मैं बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस घूमा हूँ बट ऐसा कंस्ट्रक्शन मुझे पहले कभी नहीं मिला जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये है टेरेस, और टेरेस से डायरेक्ट एक चैनल बनाया हुआ है जो कि महल के अंदर से ये डायरेक्ट जा रहा है। सबसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि महल के अंदर ही इधर पे एक तालाब टाइप का बनाया हुआ है। अभी फ़िलहाल बारिश तो इधर पे हो नहीं रहा है तो पानी इधर पे है नहीं, अगर मतलब टेरेस में पानी जम जाए तो टेरेस का पानी क्लियर करने का बहुत ही शानदार तरीका यहाँ पे एक दिखाया है। ये है, देखिए कितना अच्छा से डिज़ाइन किया हुआ है। ये क्या है, टेरेस का पानी डायरेक्ट ये नाले से वो जो छोटा सा तालाब बना हुआ है ना उसके अंदर चला जाएगा, मतलब पानी रुकने का चांसेस ही नहीं है। कुछ पानी, हाँ, आधा पानी यहाँ से चला जाएगा बाहर डायरेक्ट पैलेस के बाहर, मतलब टेरेस से डायरेक्ट नीचे चला जाएगा ये चैनल के थ्रू। बहुत शानदार डिज़ाइन बना हुआ है ये, और आधी पानी यहाँ से चले जाएगी चैनल के थ्रू डायरेक्ट ये तालाब में। बहुत ही शानदार कंस्ट्रक्शन है, मतलब ये देख के मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि 13th और 15th सेंचुरी के बीच में जो इंडियन आर्किटेक्चर का जो नज़ारा था और उन लोगों का जो मतलब स्टाइल था बनाने का, वो आज भी मतलब अगर ये सब हिस्टोरिकल प्लेस अगर नहीं घूमेंगे ना तो हरगिज़ कोई गेस नहीं कर सकते कि कितना शानदार तरीके से ये सब महल बना हुआ था। अभी जहाज महल से निकल के हम आ गए हैं हिंदोला महल पे। ये जो दिख रहा है बिल्कुल मेरा पीछे, ये है हिंदोला महल। मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बहुत नसीब वालों को देखने के लिए मिलता है ये। ये देखिए दोस्त, मुझे पता नहीं मेरा कैमरा कितना दूर तक मैं कवर कर पाऊँगा, बट सी गाइस, रियली आई एम सो लकी दो एक साथ है। आउल्स, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल, आई एम सो लकी। मैंने पहले कभी नहीं देखा था, आउल्स नहीं देखा था, बंगाली में इसको कहते पैचा, तो सच बात बोलूँ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बट ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आए हैं देखने के लिए, इनको एक्चुअली कैमरा, इन लोगों के सामने कैमरा ऐसा दिखाएंगे ना तो शायद क्या होगा, उन लोगों को, उनको जो है ना वो आउल्स जो बैठे हुए उसको डिस्टर्ब करेगा, तो मैं नहीं चाहता कि इसको कोई डिस्टर्ब करे, इसलिए मैं इधर से निकलना ही, इट्स बेटर। अभी हम हिंदोला महल से निकल चुके हैं, ये जो प्लेस है इसको कहते हैं चंपा बावड़ी।
ताजमहल से निकल के आ गए हम। आने के बाद अभी बहुत भूख लग गया सबको, तो देखिए सब खाना खाने के लिए बिजी है। मैं भी खाना खाने के लिए बैठ जाता हूँ। दाल बाटी, ये दाल बाटी अपनी राजस्थानी डिश है ना? यस राजस्थानी। बाबला नहीं, बाबला। दाल बाटी, दाल बाफला सब सेम ही होता है मेरे को। नहीं, प्रिपरेशन अलग है। अलग है, बाफला में दाल का बनता है वो। नहीं रे भाई, नहीं रे, नहीं कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं। मांडव के जहाज महल घूमने के बाद हमने रानी रूपमती महल घूमने आया। इंडियन हिस्ट्री के अनुसार रानी रूपमती एक पोएट थी और तत्कालीन मलवा के सुल्तान बाज बहादुर के सहधर्मिणी भी थी। मलवा के इतिहास के अनुसार रानी रूपमती बहुत ही खूबसूरत थी और इसीलिए आदम खान यानी कि तत्कालीन मुगल सम्राट रानी रूपमती से मिलने के लिए मांडू पे आए थे अपने फोर्स लेके, और इसी दौरान बज बहादुर के साथ आदम खान की लड़ाई हुआ था और उसी युद्ध में बज बहादुर की डेथ भी हो गई और तब रानी रूपमती ने पॉइजन पी ली और उसके साथ ही उस मैजिकल लव स्टोरी वहां पे खत्म हुआ था। कहते हैं कि डर के आगे जीत है। इधर पे आने से पहले ना, जब जहाज महल से निकले थे हम माउंटेन ड्यू पिए थे, तो अभी मुझे लग रहा है ये घाट क्रॉस करने के बाद मुझे फील हो रहा है कि सही में बहुत अच्छा किया था कि मैंने माउंटेन ड्यू पिया था, नहीं तो आज ये क्रॉस नहीं कर पाते। मेरा वो दूसरा बाइक वाला दोस्त पीछे रह गया है। धीरे 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 धीरे, रास्ता बहुत ही ख़राब है। ये घाट पता नहीं कौन सा घाट है, गांव वाले को पूछा था हमने तो गांव वाले ने बोला नहीं थोड़ा सा ही है, बट जहाँ तक मुझे लगा कि लगभग 1.5 किलोमीटर तक होगा ये घाट, और बाइक पूरा स्कीड कर रहा था एकदम। मतलब अगर बारिश होता ना इस टाइम पे, तो बारिश के टाइम पे हरगिज ये क्रॉस नहीं कर पाते, क्योंकि इतना स्कीड हो रहा था ना बाइक का सामने और पीछे, बोथ व्हील इतना स्कीड हो रहा था कि बता नहीं सकते। देखते हैं, वेट करते हैं वो दोनों के लिए कब तक पहुंचेगा। वो जो ऊपर एकदम दिख रहा है ना, ऊपर से उतरना स्टार्ट किए थे, एकदम ऊपर में जो दिख रहा है उधर से उतरना स्टार्ट किए थे।
तो गांव वाले ने बोला था ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर तो होगा ही, मिनिमम 1.5 किलोमीटर तो होगा ही। इट्स वेरी डिफिकल्ट है, आई एम नॉट रिकमेंडेड टू एनी वन टू टेक दिस रोड ड्यूरिंग दिस मानसून सीजन, रियली इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर बारिश में आप ये मांडव घूमने के लिए आ रहे हैं ना, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट टेक दिस रोड, इट्स वेरी डिफिकल्ट रोड एंड बारिश में बहुत ज़्यादा। अगर मुझे लगता है यहाँ पे लास्ट 2-3 डेज से बारिश नहीं हुआ था, इसलिए फिर भी रोड थोड़ा सा ड्राई है, फिर भी पत्थर इतना ज़्यादा है और इसका जो स्लैपिंग है वो बहुत ही मतलब एकदम 90 degrees वन काइंड ऑफ। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरी वन डोंट टेक दिस काइंड ऑफ रोड इफ़ यू आर कमिंग टू विजिट इफ दिस मांडव ड्यूरिंग दिस मानसून सीजन, ओके इट्स टोटली नॉट रिकमेंडेड। अभी टाइम हुआ है 5:45, ओके तो हम लोग ये हाईवे पे पहुंच गए, ऑलमोस्ट हाईवे पे पहुंचने के बाद यहाँ पे एक रेस्टोरेंट और होटल मिला, हम लोग जस्ट वहाँ पे अभी नाश्ता वगैरह कुछ कर रहा है, तो नाश्ता वगैरह करके यहाँ से हाईवे से सीधा निकल जाएंगे। तो आज का मांडव का जो ट्रिप है वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है, और आप लोगों को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरा वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरा वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा चैनल रोमी चक्रवर्ती को फॉलो कीजिए प्लीज़।